चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 16 नीट जेडब्ल्यू एमएससीईटी, टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी 11 स्टैंडर्ड का। इसी वीडियो सॉल्यूशन के नीचे इस टेस्ट की लिंक दी वाली है, आप उस टेस्ट को पहले छुड़ाइए और बाद में इस वीडियो सॉल्यूशन में उसके आंसर चेक कीजिए। देखिए, हम अब 151 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द पेरेंट एलिमेंट लाई इन द सेवंथ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पेरेंट एलिमेंट लाई इन द सेवंथ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। डॉटर एलिमेंट इज फॉर्म बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉटर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए है सेम पीरियड सिक्स्थ ए ग्रुप, ऑप्शन बी है सेम पीरियड फाइव ए ग्रुप, ऑप्शन सी है सेम पीरियड जीरो ग्रुप, ऑप्शन डी है सेम पीरियड फोर्थ ए ग्रुप। देखिए, जब हमारा एलिमेंट एक्स है और जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, जब ये सेवंथ ए ग्रुप में है और इसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया है, इससे एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो जो डॉटर एलिमेंट बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है। जबकि ये एलिमेंट सेवंथ ए ग्रुप का है तो जिसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा तो वो अब 7 से 2 ग्रुप लेफ्ट आ जाएगा। 2 ग्रुप लेफ्ट आने के बाद उसका ग्रुप नंबर बनेगा फिफ्थ ए ग्रुप। इसे हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। इसलिए व्हेन द सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट एमिट वन अल्फा पार्टिकल्स, इट डिस्प्लेस द सेम पीरियड इन 2 ग्रुप लेफ्ट, that is in the fifth A group, and that's why its correct answer is same period in fifth A group. इसलिए ये जो seventh A में का group का element है, तो after emission of alpha particles वो fifth A group में आ जाएगा, इसलिए इसका correct answer हमारा है B. बाद में हम 152 number का question देखते हैं। In the sequence A emit one beta particles gives B, B emit one beta particle gives C, C emit one alpha particle gives D. A and D are, option A है same atom, option B है isobars of one another, option C है atoms of different element with different atomic number, option D है isotopes of one another. देखिए, जबकि A हमारा जो element है तो इसने एक बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ जाएगा। एक बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद बी का जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ जाएगा और मास नंबर रिमेन सेम रहेगा। बाद में बी एक बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद जो सी एलिमेंट मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाएगा, पहले से एक से बढ़ जाएगा, यानी कि हम एक से लिखेंगे Z plus 2 करेंगे, इसे 2 से बढ़ जाएगा और मास नंबर रिमेन सेम रहेगा। बाद में जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो जो D का एटॉमिक नंबर है वो अगेन Z के सेम हो जाएगा और इसका मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये जो A और जो D है ये एकमेक के आइसोटोप से, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफर रहेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी आ जाएगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर डिफर रहेगा ए और बी का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, आइसोटोप्स ऑफ वन अनादर। बाद में हम 153 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज गिवन बाय, ऑप्शन ए है बेक्वेरियल, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मेंडलीव, ऑप्शन डी है सोदी एंड फजन। तर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है
ये सोधी और फजन ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया वाला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा है डी। बाद में हम 154 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Ra88226 एमिट वन अल्फा पार्टिकल्स एंड द डॉटर एलिमेंट इज, ऑप्शन ए है Th90 to 320, ऑप्शन बी है Ra89222, ऑप्शन सी है Rn86222, ऑप्शन डी है Rn86226। देखिए, जब रेडियम 88226 एक अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा। 2 से डिक्रीज होने के बाद का एटॉमिक नंबर आएगा 86 और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा तो इसका एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा 222। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा Rn86222 है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसलिए हम करेक्ट आंसर इसका हम 6C लिखेंगे। देखिए 155 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ऑन एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम कार्बन 614 द एलिमेंट विल बी ऑब्टेन, ऑप्शन ए है कार्बन 613, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन 814, सी ऑप्शन है बोरॉन 515, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन 714। जब कार्बन 614 एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है तो एक से बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7 और मास नंबर रिमेन सेम रहेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा डी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। बाद में हम 156 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड इन द रिएक्शंस। यूरेनियम 92-238 गिव्स राइज टू यूरेनियम 92-234 प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकालना है। ऑप्शन ए दिए वाला है 2 अल्फा 2 बीटा, ऑप्शन बी है 1 अल्फा 2 बीटा, ऑप्शन सी है 1 अल्फा 4 बीटा, ऑप्शन डी है 1 अल्फा और 4 बीटा। जबकि हमारा अल्फा पार्टिकल निकालने का फार्मूला है ए पेरेंट एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट माइनस ए डॉटर डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा फार्मूला है। तो हमारा ए पेरेंट यहाँ पर है 238 माइनस ए डॉटर है 234 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आ जाएगा 1, इसलिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 1 होंगे। और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालने का फार्मूला है हमारा 2 इंटू अल्फा पार्टिकल्स माइनस जेड पेरेंट माइनस जेड डॉटर। अब एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर लेते हैं, 2 इंटू अल्फा पार्टिकल 1 है और माइनस जेड डॉटर भी 92 है और जेड पेरेंट भी 92 है, इसलिए 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल 2 एमिट होंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाद में हम 157 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द थर्ड ए ग्रुप, जो एलिमेंट थर्ड ग्रुप से बिलोंगिंग हो इन द पीरियोडिक टेबल, इफ इट लूज वन बीटा पार्टिकल्स देन न्यूली फॉर्म एलिमेंट विल बी बिलोंगिंग टू द ग्रुप, ऑप्शन ए है सेकंड, ऑप्शन बी है थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट, ऑप्शन डी है फोर्थ। देखिए, जब भी एक अंदर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए ये थर्ड ग्रुप से बिलोंगिंग हो और इसने एक बीटा पार्टिकल इमिट किया हो तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये एक से बढ़ जाएगा और एटॉमिक नंबर एक से बढ़ने के कारण ये पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट बन जाएगा और इसलिए ये नेक्स्ट ग्रुप में होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा डी, डी ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी। बाद में हम 158 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट ए लूजेस वन अल्फा एंड टू बीटा पार्टिकल्स टू गिव्स एन एलिमेंट बी, देन इन द पीरियोडिक टेबल ऑप्शन ए है ए लाई टू ग्रुप बिहाइंड बी, ऑप्शन बी है ए लाई टू ग्रुप अहेड ऑफ बी,
ऑप्शन सी है, बी लाई वन ग्रुप अहेड ऑफ बी ए, और ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ लाई इन द सेम ग्रुप। देखिए एक एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए, ये जब एक अल्फा पार्टिकल लूज करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। बाद में ये दो बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे, बाद में ये दो बीटा पार्टिकल जब एमिट करेंगे तो बाद में इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, और बाद में दूसरा बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद ये सेम पहले एटॉमिक नंबर के इतना ही आएगा और मास नंबर जो होगा वो चेंज रहेगा इसका a-4। इसलिए ये दोनों आइसोटोप्स रहेंगे, बट ये बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एक बीटा पार्टिकल से दो से एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, सॉरी एक अल्फा पार्टिकल एमिट करने से दो से एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, पर दो बीटा पार्टिकल एमिट करने से एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाता है। इसलिए ए एंड बी आर बोथ लाई इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ए और बी जो होंगे इसमें, तो ये जो है तो ये सेम ग्रुप से बिलोंगिंग होंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा डी, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ख्याल में आया है जब ए अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, जो हमारा नया एलिमेंट मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा। बाद में जबकि दो बीटा पार्टिकल्स इसमें से रिलीज होने के कारण, दो बीटा पार्टिकल इसमें से रिलीज होने के कारण हमें जो बी मिलेगा उसका भी एटॉमिक नंबर हमारे को ए के जैसा ही मिलेगा, इसलिए ए और बी आर लाई इन द सेम ग्रुप, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी। 159 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर एमिशन ऑफ वन बीटा अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय वन बीटा पार्टिकल फॉर्म XE92-238, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी, ऑप्शन ए है 142, ऑप्शन बी है 146, ऑप्शन सी है 144, ऑप्शन डी है 143। देखिए ये जो एलिमेंट है जिसका एटमिक नंबर 92 है 238, इससे एक अल्फा पार्टिकल एमिट होने के बाद जो हमें नया एलिमेंट मिलेगा उसका 90 एटॉमिक नंबर रहेगा और मास नंबर 234। बाद में इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलने से इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा। इसलिए 234 माइनस 91 करने के बाद हमें 143 मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें रहेंगे 143, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी। बाद में हम 160 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेपच्यूनियम NP93-239 लूजेस अ बीटा पार्टिकल एंड चेंजेस टू, ऑप्शन ए है यूरेनियम 92-239, ऑप्शन बी है नेपच्यूनियम 93-238, ऑप्शन सी है नेपच्यूनियम 94-239, प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है प्लूटोनियम 94-240। देखिए नेपच्यूनियम जो है नेपच्यूनियम 93-239 आफ्टर एमिशन ऑफ वन बीटा पार्टिकल इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और 1 से बढ़ने के बाद इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ने के बाद ये प्लूटोनियम बन जाएगा और मास नंबर रिमेन सेम रहेगा 239। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा सी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है सी। इसी तरह आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उसे करेक्ट करके लिखे और इसके बाद की जो 17 नंबर की टेस्ट है ये आप छुड़ाइए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। ये जो टेस्ट है तो आपको जितने टाइम छुड़ाना है उतने टाइम आप छुड़ा सकते हैं। थैंक यू।